डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम लोग एक माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो हर एग्जामिनेशन में ये आता है, इसका मरीज भी बहुत ज़्यादा है, साल्मोनेला बैक्टीरिया। ये सवला बैक्टीरिया जिसको हम लोग, जिस बैक्टीरिया से इंटेरिक फीवर होता है, जिसको टाइफाइड फीवर बोलते हैं। इंटेरिक फीवर इसलिए बोलते हैं कि यह बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में रहता है और इंटेस्टाइन से इंटर करता है और इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए इसको इंटेरिक फीवर वाले बैक्टीरिया से नाम पुकारते हैं। टाइफाइड फीवर, टाइफाइड एक पेशेंट का ही नाम था वो, जिसके नाम से टाइफाइड फीवर पड़ा, और इसमें मियादी बुखार लगता है इसमें। तो ये सब इसका एक इंट्रोडक्शन है। अब लोग बात आते हैं इस बैक्टीरिया के बारे में, मॉर्फोलॉजी से लेकर पैथोजेनेसिटी तक चलते हैं। ये बैक्टीरिया का शेप क्या होता है? शेप इसका शेप होता है रॉड शेप, रॉड ऐसा होता है, और इसमें फ्लैजिला पूरे भरे होते हैं इसमें। तो शेप हो गया रॉड शेप। उसके बाद साइज, साइज की जब हम बात करते हैं तो 2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर लंबाई होता है एंड 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर चौड़ाई होता है। अगर इस बैक्टीरिया को हम स्टेन करेंगे तो ग्राम से स्टेन करेंगे तो इसे मिलेंगे निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये ग्राम स्टेन करने पर पिंक कलर का दिखाई देगा, पिंक कलर का, है ना। बात आई टॉक्सिन की, इंडोटॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन या इंटेरोटॉक्सिन, इंटेरोटॉक्सिन दोनों तरह का टॉक्सिन इसमें अलग से निकलता है। अगली पॉइंट पे तो मोटिलिटी, अब देख रहे हैं कि यहां पर फ्लैजिला है तो मोटाइल तो होगा ही ना, जो मोटाइल होता है। अब जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, कल्चर करेक्टर इस बैक्टीरिया के बारे में, जो किसी ढंग से हमें लिखना होता है एग्जामिनेशन में। अगर कल्चर करेक्टर की जहां बात हम करेंगे तो इसके लिए मीडिया जो लेते हैं, मीडिया सेलेनाइट एफ ब्रॉथ, सेलेनाइट एफ ब्रॉथ एक बार हम लोग लेते हैं। इसमें लोग सब कल्चर करने के लिए बाइल ब्रोथ भी लेते हैं, बाइल ब्रोथ। टाइम इसमें एक कल्चर के लिए लगता है 24 घंटा और दूसरे कल्चर के लिए लगता है 48 आवर। उसके बाद टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑब्जर्वेशन कैसा होगा? ये येलो कलर का, येलो कलर चेंजेज। अब क्या हो गई? ये तो हम लोग हो गया इसका एक छोटा सा मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें, पैथोजेनिसिटी, यानी ये बैक्टीरिया करता क्या है, कैसे करता है डिस्प्रोड्यूस, ये देख लें। तो सबसे पहला कि जो सबला बैक्टीरिया है ये हमारे बॉडी में भी रहता है और बाहर से भी आता है ये। तो एक्सटर्नल कैसे आता है? ये एक्सटर्नली ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड आइस, आइसक्रीम, क्योंकि ये बैक्टीरिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ग्रो करता है। ये इस बैक्टीरिया की खासियत है कि 0 डिग्री पे भी ग्रो करता है। जो जितना फ्रिज में जो खाने वाली सामान होती है ना, उससे ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फैलती है, ये इन्फेक्शन बहुत फैलती है। तो अब जो बात आ गया कि ये बैक्टीरिया कहाँ से आता है, ये तो ये बैक्टीरिया कम्स फ्रॉम कहाँ से, एक्सटर्नल में कहाँ से आएगी, एक्सटर्नल कहाँ से आएगी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर वो एक्सटर्नल आ गई। और ज़्यादातर तो आइसक्रीम से ज़्यादा फैलता है ये,
अच्छा इंटरनल कहां से आवेगी? इंटरनल कहां से आवेगी? इंटेस्टाइन में नॉर्मल रहता है, नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में भी रहता है ये, नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा। चलिए अब बात आई यहां पर कि वीक इम्यूनिटी होने पर, इफ इफ वीक इम्यूनिटी ऑफ किसका, माल्ट, माल्ट ऑफ जीआईटी, जीआईटी माल्ट ऑफ जीआईटी, माल्ट होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जब ये जब वीक हो जाती है तो जैसे मान ली सपोज दैट ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का वाल है और यहां पर इंटेस्टाइन का सेल्स है और लिम्फेटिक सेल्स है यहां पे, और यहां पर इसका लेयर हो गया, म्यूकस लेयर हो गया, तो बैक्टीरिया यहां से इन्वेड करेगी है ना, और बैक्टीरिया इन्वेड करके पहले कहां मल्टीप्लाई करेगी, लिम्फॉइड टिश्यू में सबसे पहले बैक्टीरिया यहां से आवेगी, और आने के बाद आ जाएगी कहां पे, जो लेयर है म्यूकस लेयर, ये वाल है इसका, वाल टिश्यू लेयर है, और इसमें क्या होता है लिम्फॉइड टिश्यू है ये, यहीं पर आकर क्या करेगी बैक्टीरिया, यहां पर आकर पहले क्या करेगी मल्टीप्लाई करेगी, ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये मल्टीप्लाई कहां कर रही है, लिम्फॉइड लेयर में, जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर्स पैच लेयर। तो पहले बैक्टीरिया क्रॉस कर गया, क्रॉस करने के बाद क्या करेगा लिम्फॉइड टिश्यू में ये मल्टीप्लाई किया, इसके बाद ये चला जाता है किसमें, ये आरी सिस्टम में इंटर कर जाता है, आरी सिस्टम में चला गया, आरी सिस्टम के बाद ही कहां चला जाएगा ये, जैसे ही आरी सिस्टम में जाता है लिम्फॉइड आरी सिस्टम, इसके बाद पहुंच जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, जैसे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है अब यहां से क्या होती है फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, अब ब्लड स्ट्रीम के बाद ये कहां पहुंचेगा, फिर ब्लड स्ट्रीम के बाद कहां पहुंचेगा, बाइल में, बाइल में, गॉल ब्लैडर में, फिर उसका लीवर में, और धीरे धीरे करके ये बॉडी के मल्टी ऑर्गन में इंटर कर जाता है, फीवर धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, क्या होगी आगे कहानी हम बताते हैं। तो शुरुआत में इंटेस्टाइन में रहा, इंटेस्टाइन में हुआ क्या किया, पहले या तो डायरिया हुआ होगा, एक दो डायरिया के कारण वीक हुआ होगा, कंस्टिपेशन के कारण वीक हुआ होगा, वहां से वह इंटर कर गया, या इम्यूनिटी कमजोर जिस तरह से हो, और उसके बाद धीरे धीरे बैक्टीरिया बॉडी में प्रवेश कर गया, आरी सिस्टम से जब बैक्टीरिया अंदर जाता है तो कैसे कैसे जाता है, इसमें हम लोग पैथोजेनिसिटी भी समझते जाएंगे और सिम्टम भी इसका समझते जाएंगे, साइन भी समझते जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन भी समझते जाएंगे, उसी ढंग से हमको लिखना भी होगा एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले क्या होगी, जब ये बैक्टीरिया इंटर करेगा हमारे बॉडी में, तो ये थोड़ा सा हम लोग एक चार्ट से देख लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, ये हो गया सेवेंथ डे, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, फोर्टीन डे, ये चौदहवा दिन हुआ, ये हुआ इक्कीस दिन, इक्कीस दिन, चौदह दिन, सेवन डेज, और यहाँ पे अट्ठाईस दिन। इसको हम लोग चार से समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हो जाएगी ये थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में हो जाएगी, इधर में टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात हो जाएगी, जैसे मान ली कि 97, 98, 99, 100, 99 हो गया ये, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, है ना, तो ये एक टेम्परेचर हो गया एक तरह से, और इधर हो गया डे बाई डे। इसमें क्या होती है बड़ी गौर समझना में, कि जो पहला दिन जो फर्स्ट डे होती है ना, फर्स्ट डे जैसे ब्लड स्ट्रीम में गया उसी दिन से फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, और क्या होगी यहाँ पर फीवर आने लगेगा, तो यहाँ से ये बेसिक हो गया, यहाँ से फीवर आने लगेगा और एक डिग्री टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगी नेक्स्ट डे क्या होगी कि थोड़ा सा डाउन होगी है ना, दूसरे दिन क्या होगी फिर एक डिग्री बढ़ जाएगी, तीसरे दिन क्या होगा एक थोड़ा सा डाउन होगी, चौथे दिन एक डिग्री और बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी सी डाउन होगी, पांचवें दिन और बढ़ जाएगी एक डिग्री,
फिर उसके बाद डाउन होगी, छठे दिन एक डिग्री और बढ़ जाएगी, सातवें दिन जो है ऑप्टिमम पे रहेगी, सातवें दिन टेम्परेचर हाई रहेगी। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि पर डे एक डिग्री टेम्परेचर जो होता है बढ़ते जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लैडर लाइक फीवर, लैडर लाइक टेम्परेचर। इसमें क्या होगी बड़ी फिक्स सिम्टम क्या होगी, इसमें फीवर पर डे एक टेम्परेचर बढ़ेगा, हेडेक बढ़ती चली जाएगी है ना, उसके बाद एनोरेक्सिया होगी, यहाँ पे डायरिया कंस्टिपेशन देखने का मिलता है यहाँ पे, फिर नहीं भी मिल सकता, जरूरी नहीं कि मिलवा करेगा, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है यहाँ पे है ना, फिर देखने को मिल सकता है। पल्स रेट यहाँ पे क्या होगी टैकीकार्डिया, यहाँ पे पल्स रेट क्या हो जाएगी टैकीकार्डिया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होगी कि अगले 14 दिन के बाद से, सॉरी 7 डेज के बाद से एक डिग्री टेम्परेचर पर डे एक टेम्परेचर घटते जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14 14 आते हैं तो फिर जो होता है वो बेस लाइन पे आ जाएगी 99 या 98 पे आ जाएगी, फिर एक एक डिग्री टेम्परेचर घटते जाता है ये। और इसमें क्या होगा अब ब्रेडीकार्डिया मिलने लगेंगे, पल्स रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे अब थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा, बीपी यहाँ पर डाउन होने लगता है यहाँ पे, उसके बाद मायोकार्डियल इफेक्ट थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, और फीवर एक डिग्री टेम्परेचर घटेगी, हेडेक थोड़ा सा साइड करने लगता है। अगले 14 दिन के बाद क्या होगा 14 दिन के बाद से फिर एक डिग्री टेम्परेचर जो है पर डे से बढ़ते जाएगा, और ये डिग्री बढ़ते जाएगा, और ये पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच जाएगा ये 21वें दिन तक चले जाएगी, 21वें दिन तक आते हैं तो फिर टेम्परेचर हाई हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी अब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोलिसिस्टाइटिस देखने को मिलता है, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन मिलने लगता है, लीवर में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, लीवर का फंक्शन डिक्रीज होने लगती है, इसमें इंटेराइटिस होना स्टार्ट हो जाता है, इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होने लगता है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका लार्ज इंटेस्टाइन में जा सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे अल्सर होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, इसका लंग्स में भी धीरे धीरे ब्रोंकाइटिस सिम्टम स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, बीपी बहुत ज्यादा डाउन होने लगती है इसमें, इसके बाद नर्वस प्रॉब्लम भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब ये केस थोड़ा क्रिटिकल बनने लगता है, लेकिन इससे भी क्रिटिकल कब होगी जब ये 21 दिन के बाद से फिर से एक डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होने लगता है, और इस कंडीशन में क्या होगी स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगी, सीवियर अब्डोमिनल पेन होगा 4th वीक में। ये था फर्स्ट वीक, था ये फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। फोर्थ वीक में क्या होती है सिम्टम बहुत ज़्यादा अपीयर हो जाएगी, अब्डोमिनल पेन होने लगेगी, बर्निंग न्यूट्रिशन होने लगेगा इसमें, बर्निंग न्यूट्रिशन, लोअर अब्डोमिनल पेन, हिपैटिक हिपैटोमिगैली, स्प्लेनोमिगैली, टेफाइड स्टेट, मेनिनजाइटिस, न्यूमोनिया, मायोकार्डियल डिजॉर्डर्स, मायोकार्डाइटिस, इसके बाद पेरिटोनाइटिस, फिर उसके बाद कोलोनिक अल्सर, कोलोनिक टाइफाइड अल्सर, ये सब सिम्टम इसे मिलना स्टार्ट हो जाएगी और इतना कॉम्प्लिकेशन आने लगता है। ये था मेरा 4th वीक का। तो वह बोले ना कि वन बाय वीक बाय वीक जो होता है इसमें सिम्टम जो होता है वो प्रोग्रेस में चलते जाता है। तो इस तरह से फीवर भी कंडीशन में लगता है। अब जो बात आते हैं इसमें लोग कि इसमें जो स्पीसीज के बारे में, तो ये जो बैक्टीरिया होती है ना, इस बैक्टीरिया का टोटल 4 स्पीसीज होता है, इस बैक्टीरिया का 4 स्पीसीज होता है, और चारों इस तरह से डिस्पोर्ट करता है इसमें। ये नहीं कि हाँ कोई एक, हाँ ये चीज होती है कि 4 स्पीसीज जो बोले आपको हम, इतना जो सिम्टम होता है इसमें, तो इसमें एक होता है आपको साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी ओ, ओ का मतलब होता है बैक्टीरिया के सेल वाल से जब टॉक्सिन बनता है, ओ का मतलब होता है ओमनिस, मतलब सेल वाल से टॉक्सिन बनता है उसको ओ कहते हैं। एक होता है साल्मोनेला टाइफी, टाइफी एच, मतलब इसका फ्लेजला से टॉक्सिन निकलता है। चौथा तीसरा स्पीसीज होता है साल्मोनेला पारा टाइफी, पारा टाइफी ए एच, मतलब इसमें जो होता है इसका इसका फ्लेजला से निकलता है साल्मोनेला पारा टाइफी, पारा टाइफी बी एच, यानी कि 4 स्पीसीज होता है। अब चारों जो भी जो सिम्टम होता है, ये सिम्टम में क्या है कि चारों स्पीसीज में क्या होती है कि जो ओ होता है ये ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसका जो है इम्यूनिटी ज़्यादा लॉस करता है बॉडी को, एच है उससे थोड़ा कम है, एच उससे कम है, बी एच कम है, ये क्या होता है बॉडी में सिम्टम जो होता है वो सब प्रोड्यूस करता है, लेकिन सबसे जो मेन सिम्टम जो प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा ओ करता है, उसका एच, उसका एच, उसका बी एच। तो इस तरह से क्या होती है कि 4 स्पीसीज है और 4 स्पीसीज यही ढंग का डिजीज प्रोड्यूस करता है। अब जो बात आते हैं हम लोग यहाँ तक तो समझ में आ गया,
अब चलते हैं लैब डायग्नोसिस में। तो इसके लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या है कि जो हम लोग बताए थे जो वीक बाय वीक जो बताए थे इसमें, तो फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट वीक है उसमें हम लोग क्या करते हैं, याद रखिएगा फर्स्ट वीक में क्या क्या कराते हैं। तो फर्स्ट वीक में सबसे पहला अगर विडाल टेस्ट कराएंगे तो विडाल टेस्ट कराएंगे तो वहां पर निगेटिव आएगी, इसलिए फर्स्ट वीक में नहीं कराते हैं। तो फर्स्ट वीक क्या करते हैं, ब्लड कल्चर कराते हैं। ब्लड कल्चर इसमें आपको मिल जाएगी सलमोनेला बैक्टीरिया, सलमोनेला बैक्टीरिया ग्रोथ। इसके बाद टीएलसी कराएंगे क्या मिलेगी, नॉर्मल। डीएलसी में क्या मिलेगी, न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया मिलेगा। यही चीज अगर हम लोग सेकेंड वीक कराएंगे, अगर सेकेंड वीक कराते हैं तो विडाल टेस्ट कराएंगे, अगर विडाल टेस्ट तो क्या मिलेगी, पॉजिटिव। ब्लड कल्चर कराने की जरूरत नहीं है, ब्लड कल्चर कराने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कराएंगे तो सलमोनेला ग्रोथ मिलेगी इसमें। इसके बाद टीएलसी जब कराएंगे तो डिक्रीज मिलेगा। डीएलसी जब कराएंगे तो इसमें हम लोग को लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा, लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा। यही चीज अगर हम लोग थर्ड वीक कराते हैं, अगर बाय द वे थर्ड वीक हम लोग देखते हैं, सेकेंड वीक में तो आ गया, अगर हम लोग थर्ड वीक में कराते हैं तो विडाल टेस्ट जो होती है उसका टाइट्रेशन बढ़ेगा। इसमें विडाल टेस्ट जो है, विडाल टेस्ट आप वीडियो में देखेंगे कि उसमें क्या करते हैं, टाइट्रेशन लगाते हैं। तो विडाल टेस्ट जब कराएंगे, विडाल टेस्ट, तो इसमें आपको पॉजिटिव मिलेगी और इसका टाइट्रेशन बढ़ेगा। जो जो भी मिल सके उसमें, एस टाइप ही हो, एस टाइप ही एच होगा, पारा टाइप ही होगा, या बी एच जो भी होगा उसमें क्या हो सकती है, ओ एच एच बी एच जो भी रहेगा उसमें आपको रिपोर्ट, आपको विडाल टेस्ट वाला वीडियो में देख लीजिएगा, उसी ढंग से रिपोर्ट में आती है वह। और उसके बाद क्या होगा, टीएलसी कराएंगे तो टीएलसी, अब यहाँ पर प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएगी, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाएगी। एचबी परसेंटेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये भी हम लोग यहाँ पर कहने लगते हैं, एचजीपीटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इस केस में। तो थर्ड वीक में ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद यूरिन कल्चर फोर्थ वीक कराते हैं, अगर फोर्थ वीक अगर जांच कराते हैं तो विडाल टेस्ट जो होगी हाई टाइट्रेशन में पॉजिटिव आएगी। हाई टाइट्रेशन, टाइट्रेशन क्या हो जाएगी, 1:640 भी मिल सकती है इसमें। उसके बाद जो हम लोग टीएलसी करा देंगे, टीएलसी में डिक्रीज मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आरबीसी क्या हो जाएगी, आरबीसी डिक्रीज हो जाएगी। प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इसमें, पैनसाइटोपेनिया हो जाता है इस केस में। यूरिन कल्चर कराएंगे, अगर यूरिन कल्चर तो उसमें सलमोनेला बैक्टीरिया क्या हो जाएगी, ग्रोथ मिलेगा, सलमोनेला बैक्टीरिया ग्रोथ। और स्टूल कल्चर करेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पर क्या मिलेगी, सलमोनेला बैक्टीरिया क्या मिलेगी, इंक्रीज। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, हम लोग इसका लैब डायग्नोसिस करके देख लेते हैं। इसे विडाल टेस्ट सबसे मोस्ट कॉमन है, अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग एक जांच और कराते हैं, एलाइजा फॉर टाइफी, एलाइजा फॉर टाइफी, आईजीजी और आईजीएम ये दोनों करा के देखते हैं रिपोर्ट में क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये एलाइजा फॉर टाइफी जो होता है ये आपको सेकेंड वीक में करा सकते हैं, थर्ड वीक में करा सकते हैं, फर्स्ट वीक में करा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी हो तब कराते हैं। ये था मेरा सलमोनेला बैक्टीरिया के बारे में रिपोर्ट में, चारों के चारों स्पीसीज का आ सकता है इसमें। अब जो बात है इसमें मेडिसिन ट्रीटमेंट जो होती है, इसमें ट्रीटमेंट होती है उसमें सिंपल जो एलोपैथ एंटीबायोटिक देते हैं, चाहे वो ओफ्लोक्सासिन ग्रुप्स के द्वारा चलाते हैं, मेकासिन देते हैं, लिवोफ्लोक्सासिन भी चलाते हैं इसमें। अगर हम लोग होम्योपैथ में जो देते हैं, हम लोग इसमें लोग क्या देते हैं, बप्टिसिया देते हैं, चिराइता देते हैं, पायरोजिनम देते हैं, डक्स भंका भी चलाते हैं इसमें, बेलाडोना भी देते हैं। क्योंकि बप्टिसिया जो होती है वो स्पेसिफिक दवा होती है इसके लिए, हम लोग इसके लिए देते हैं। इसके बाद फिर सलमोनेला करके भी दवा आती है, वो भी हम लोग चलाते हैं इसमें। ये था मेरा सलमोनेला बैक्टीरिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट बैक्टीरिया चलेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में जरूर करेंगे। थैंक्स।